नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ कैसे लिंक करते हैं। अगर अभी तक आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है तो जल्दी से आधार कार्ड के साथ लिंक कर लीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपने पैन कार्ड को लिंक आधार कार्ड के साथ नहीं किया है। 31 मार्च लास्ट डेट है। अगर आपने लिंक नहीं किया तो जल्दी से जाकर आपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक कर लें, नहीं तो आपको जुर्माना लग सकता है। कैसे लिंक करना है अभी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप कैसे पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करना है। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो इंपॉर्टेंट और यूजफुल आप सभी के लिए होने वाली है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आप भी सीख सकें कि पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ कैसे लिंक करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर दोस्तों सर्च बार में आपको टाइप करना है ई पैन कार्ड फिलिंग। आपको ये सर्च करना है। डालने के बाद सर्च कर लेंगे। जैसे दोस्तों आप ई पैन कार्ड फिलिंग सर्च करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ चुका है। आपको फर्स्ट वाले लिंक के ऊपर क्लिक कर लेना है। बाकी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्ट इजीली कर पाएंगे। आपको दोस्तों करना क्या है, नीचे की तरफ आना है। यहां पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। आपको आधार कार्ड लिंक करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं कितने बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ई पेन ई वेरिफिकेशन रिटर्न लिंक आधार। आपको क्या करना है दोस्तों, लिंक आधार के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे लिंक आधार के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है लिंक आधार। आपको दोस्तों फर्स्ट वाले पे अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है और सेकंड पे आधार कार्ड का नंबर डालना है और थर्ड पे आपको आधार कार्ड पे जो नाम है वो डालना है और चौथे पे फोर्थ पे आपको मोबाइल नंबर डाल लेना है। तो चलिए हम जल्दी से यहाँ पर जल्दी फिल कर लेते हैं। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको इस दोनों एरो पे टिक कर देना है डब्बे पे। और उसके बाद आपको दोस्तों करना क्या है, लिंक आधार के ऊपर क्लिक कर देना है। एक सेकंड, यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर ध्यान से डालना है और उसके बाद आपको लिंक आधार पे क्लिक कर देना है। जैसे ही लिंक आधार पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेरे को पॉपअप नज़र आ रहा है। यहाँ पर बता रहा है योर पैन इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार कार्ड आधार, मतलब कि ये बता रहा है आपका पैन कार्ड ऑलरेडी पहले से ही लिंक है। अगर आप इस पे लिंक आधार पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर आधार कार्ड से जो नंबर लिंक होगा उस पे ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी डालने के बाद आपका आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंक हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। अगर आपका लिंक है या नहीं लिंक है कैसे चेक कर दें वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर बैक आ जाना है। जैसे ही बैक आएंगे दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं वो भी बता देता हूँ कैसे चेक करना है आपका आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक है या नहीं है। आपको यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आठवें नंबर पे दिया गया है लिंक आधार स्टेटस। आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है।
अगर आप चेक करना चाहते हैं आपका पैन कार्ड के साथ लिंक है या नहीं है तो आप यहां से भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको भी बताने वाला हूं, यहां पर लोडिंग ले रहा है। जैसे ही लोडिंग लेगा दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पर करना कुछ नहीं है, सिंपली से यहां पर आपको पैन कार्ड का नंबर, आधार कार्ड का नंबर डालना है। तो चलिए हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पैन कार्ड का नंबर, आधार कार्ड का नंबर डाल दिया है और उसके बाद आपको क्या करना है, व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर पॉपअप नज़र आएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं योर पैन इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार, मतलब कि मेरा आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंक है। तो इस तरह से बहुत ही ईजली तरीके से आप अपने मोबाइल में घर बैठे आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग सीख गए होंगे कि पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ कैसे लिंक किया जाता है। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर हमें कमेंट करके बताएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में नोटिफिकेशन का बेल दबाना ना भूलें ताकि ऐसी हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।